lead us in the word of prayer. God bless you, brother Jim. God bless you. Hallelujah, hallelujah, pitar, pitar, pitar. जो था जो है जो आने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा अब्बा यहोवा जीरे खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो समा हमें तूने दिया है इसलिए दिया गया प्रभु जी, हम तेरी महिमा करें तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद खुदा तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तू महान है खुदावंद खुदा, हर चीज का रचयिता है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है खुदावन खुदा। प्रभु जी तूने हमें इसलिए सम्मान दिया है कि खुदावन हम उस कलाम को अपने जीवनों में ले सकें, कि खुदावन तूने अपने कलाम में कहा है इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के उस मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। प्रभु जी तूने अपने कलाम में कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, सचमुच प्रभु जी जो इस रोटी से खाता है वो सदा जीवित रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा, और प्रभु तूने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो इस जल से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमें अपनी दया के वसीले से चुना है, अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, हमने तुझे नहीं चुना खुदावंद खुदा, तूने इसलिए चुना है, अनाउंट किया है कि हम बहुत सारा फल लाने वाले हो सके खुदा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन की सभी मेहरबानियों के लिए खुदावंद, इस जमीन पर अगर हम सही सलामत हैं तो तेरी दया है खुदावंद खुदा, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमारियों में है, बर्बाद हो रहे हैं, वो तेरा धन्यवाद नहीं कर पा सकते और जमीन से चले जाते हैं, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, हम तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, गलत तरीकों से बचाया है प्रभु जी, अंधेरे से निकाला है प्रभु जी, सच्चा पवित्र कलाम देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदावन हम तेरे आगे अपने सारे गलती गुनाहों को कबूल करते हैं प्रभु जी, जाने जाने में जो भी गुनाह हुए तू बेहतर जानता है, तुझसे कुछ छुपा नहीं, क्योंकि तू दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है खुदावंद खुदा। प्रभु जी हमने अगर तेरे खिलाफ बलवा किया है, तेरे वचन के मुताबिक स्टैंड ना लिया हो प्रभु जी, माफ कर दे, क्योंकि गुनाहों की माफी सिर्फ तेरे पास है खुदावंद खुदा। प्रभु जी हम पूर्ण रीति से लौट आना चाहते हैं खुदावंद, अपने मन को फाड़ कर खुदावंद तेरे पास आना चाहते हैं खुदावंद, पूरी रीति से अनुग्रह कर कृपा कर खुदावंद खुदा, तेरा दयाल आप छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके खुदावंद, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी। प्रभु जी हम चाहते हैं कि पूरा जीवन तुझे सरेंडर करें प्रभु, आत्मिक बल बख्श दे खुदावंद खुदा, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हम अपनी मर्जी से नहीं जमीन पे चलना चाहते, तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंद खुदा, होने दे खुदावंद हमारा चाल चलन तुझे भाने वाला हो सके, और खुदावंद तू हमारे जीवनों में बढ़े तो हम घटे प्रभु जी, हमें भी सिखा खुदावंद तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके प्रभु, जब तक इस जमीन पे रहे तेरे वचन के वफादार पाए जाए प्रभु जी, और खुदावंद अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे दे खुदावंद, और कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग ना कर पाए प्रभु जी, अपने कदमों में बढ़ाई रख प्रभु जी, हम इस जमीन पे मशहूर नहीं बल्कि एक ईमानदार बन पाए प्रभु जी, अनुग्रह कर खुदावंद तू हमारी मजबूत चट्टान है, तू ही खुदावंद हमारा शरण स्थान है खुदावंद, दया कृपा कर प्रभु जी, हम अपने जीवनों में तेरी दया और सामर्थ को मांगते हैं खुदावंद, और जितने भी भाई बहन इस जूम मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं सब पे सब घरानों पे तेरा अनुग्रह फजल आला हमेशा बना रहे, हर एक ब्रदर सिस्टर की दुनियावी और आत्मिक आशीषों से भर दे खुदावंद खुदा, अनुग्रह कर अपने कलाम में बनाए रखना, संभाल के रखना प्रभु जी, अगर कोई बीमार है खुदावंद तू हर बीमारी को बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है,
उस भाई बहन को चंगा कर, वो तेरी महिमा करे और अच्छा गवाह बने प्रभु की। और खुदावंद खुदा, जो भी आज तेरी हुजूरी में गीत गाए जाएं, उन बच्चों पे अपना रूह आत्मा का मसा उंडेल दे खुदावंद खुदा। तेरे घर में वो गीत कबूल हों खुदावंद खुदा। और आज के पवित्र कलाम के लिए मांगते हैं खुदावंद तुझसे, जो कि खुदावंद तू खुद है, आज खुदावंद अपने वचन के वसीले से हमारे साथ बातचीत कर खुदावंद। उस वचन से हमारी सारी कमियां कमजोरियां दूर हो जाएं खुदावंद। हम उस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले भी बन पाए खुदावंद, और बहुत सारा फल लाए प्रभु जी। अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी। और जो तेरा सेवक आज का वचन दे खुदावंद खुदा, उन सेवक के होंठों को छूना, पवित्र करना खुदावंद खुदा। और प्रभु जी जो बच्चा ट्रांसलेशन करे उस पे भी तेरी अनुग्रह कृपा बना रहे प्रभु जी। और खुदावंद भाई मैनुअल को खुदावंद तेरे पवित्र जोरावर हाथ में देते हैं, ब्रदर जसविंदर को जैसे बीते समय इस्तेमाल किया अपनी पवित्र सेवा के लिए आने वाले समय में, और इस्तेमाल कर और खुदावंद बहुत सारी आशीष बरकतों से भर दे। सारी जूम मीटिंग को सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। तेरी बड़ी से बड़ी दया कृपा हो, तेरी महिमा हो खुदावंद। और हमारा सबका इकट्ठा होना एक दूसरे के लिए आशीष बरकत का कारण बने। आने वाले समय में भी सबको संभाल के रखना। जब भी मिले प्रभु जी सिर्फ तेरा धन्यवाद किया जाए, तेरी महिमा हो खुदावंद। और खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद खुदा, जो भी तुझसे मांगा गया हमने पा लिया है, क्योंकि मांगा गया है सिर्फ प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, और हमने इस मीटिंग की सारी कार्रवाई के लिए उसका धन्यवाद किया और उसके हाथों में सौंप दिया है, और वही इस मीटिंग को अब चलाएगा, और अब हम उसकी स्तुति में उसकी प्रशंसा में कुछ गीत गाएंगे। पहले हम सिस्टर रीमा से गीत सुनेंगे। सिस्टर रीमा आप रेडी है अपने गीत के साथ? जी भाई जी। हाँ आप अपना गीत स्टार्ट कर सकती है सिस्टर रीमा। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। सबैले भन्छन् सुन जान्छ जान्छ भयो कसरी, जीवन हाम्रो छ कति राम्रो त्यसको पाइला टेकेर। बाटो नभाउँदैर सुखले बाँचौ संसारमा, यीशुलाई जीवन दिएर सुखले बाँचौ संसारमा, यीशुलाई जीवन दिएर। पुछन र कसले रोएको आँसुको घुटको पिएर, पुछन र कसले रोएको आँसुको घुटको पिएर। सुखको माने भुलेर त्यो नबिर्सै जिएर, सुखको माने भुलेर के हो नबिर्सै जिएर। हाँसेर आँसु सुक्दैन, रोएर दुःख लुक्दैन, हाँसेर आँसु सुक्दैन, रोएर दुःख लुक्दैन। तिमीलाई बिना नसम्झी स्वर्गमा मी पुग्दैन, तिमीलाई बिना नसम्झी स्वर्गमा हामी पुग्दैन। बुद्धिले गाउँ जीवन यहाँ के हो, बुद्धिले गाउँ जीवन यहाँ के हो। बाबाट बस्दा बाजो नै बोलि त आबेर भइजाला, बाबाट बस्दा बाजो नै पिताले हामीलाई कस्तो प्रेम गरे, हेर नाजो पिताले हामीलाई कस्तो प्रेम गरे।
मेरो पापो सातो माग्रिस्त मारे दे तपाईंलाई मेरो पापको साथमा क्रिस्त मारे दे क्रुसको बन्धन के मिटो उद्धार पाउनु जीवनमा बन्धन के मिटो उद्धार पाउनु जीवनमा मूर्खता मात्र हुने छ नसुने वाला जीवनमा मूर्खता मात्र हुने छ नसुने वाला जीवनमा सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु जान्छौ कि भाइ हो कसरी सबैले भन्छन् स्वर्गमै जान्छु जान्छौ पो भाइ हो कसरी जीवन हाम्रो छ कति राम्रो क्रिस्टको पाइला टेकेर जीवन हाम्रो छ कति राम्रो क्रिस्टको पाइला टेकेर आमेन 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 गॉड ब्लेस यू सिस्टर। भाई आप इसका ब्रीफ में थोड़ा सा मतलब बता देंगे इस गीत का? जी थैंक यू भाई। इस गीत का सार ये है कि सब कहते हैं कि स्वर्ग जाऊंगा स्वर्ग जाऊंगा स्वर्ग, आज किसी को पूछिए तो यही कहेंगे स्वर्ग जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा स्वर्ग, पर जब तक प्रभु के कदमों पर यीशु ख्रीस्ट के कदमों पर हम नहीं चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर हम नहीं चलेंगे, तब तक कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर हम ऊपर की स्वर्ग की ओर जाने के लिए चल रहे हैं और पाप का बोझा लिए हुए हैं, जब तक यीशु ख्रीस्ट को हम जीवन नहीं देंगे तब तक फिर हम स्वर्ग की ओर नहीं जा सकते। सबको यस यस ब्रदर आमेन आमेन आमेन। सो इट इज ओनली व्हेन वी लुक टुवर्ड्स द लॉर्ड देन ओनली वी कैन फाइंड आवर वे टू हेवन। Without being with the Lord, without following Lord, without knowing Him, we may think that we will go to heaven, but we will not go to heaven. This is the meaning of the song Sister sang and Brother sang. It's a wonderful song and we are all blessed by this. Ab hum agla ye sunenge bhai Joshua ke dwara, by Rajendra Joshua ji, now ready to you. Over to you. Thank you, Brother. God bless you. God bless you. आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मैं वांगू का बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा मैं वांगे उका बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा आराधना आराधना तेरी आराधना मैं तेरी हां रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां मैं तेरी हां रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग मैं चलदा आराधना आराधना तेरी आराधना तेरे गल दे विच मैं तेरे गल गल मैं विच दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे सदा ही गावांगा तेरे गल गल दे विच मैं दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा आराधना आराधना तेरी आराधना अपने चरणा विच यीशु
सानू दे पना सारा जग कर दा सजदा वेख के तेरा जला अपने चरना विच यशु सानू दे पना सारा जग कर दा सजदा वेख के तेरा जला आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग मैं चलदा आराधना आराधना तेरी आराधना आमीन 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 गॉड ब्लेस यू ब्रदर yes, we worship our Lord and we receive all the blessings. Prabhu ki aradhana ke dwara hum par aashishe milti hain aur Prabhu khush hota hai. Very nice song by Brother Joshua. God bless you, brother. Now we will hear a song from Sister Ripsim. Aur Sister Ripsim ke baad, then Sister Sangeeta will be ready with her song. Sister Ripsim ke baad, Sister Sangeeta will sing the song. And sister, you are going to sing in English, Sister Ripsim? Yes, in English. Okay, sister, okay. She has already put the song in English. And we can follow the song. And over to Sister Ripsim now. Thank you. No life is done.
Amen, amen. God bless you, sister. Very nice song and very wonderful and inspiring song. Prabhu aapko bahut aashish de. And now we will sing, hear a song from Sister Sangeeta. Sister Sangeeta, aap ready hain gaane ke saath? Yes, brother. Haan ji, sister, you can start your song. Brother, meri voice theek aa rahi hai? Bilkul sahi. Haan ji, bilkul sahi aa rahi hai aapki awaaz. Thank you. क्रोसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, दूर है गुनाह मेरे बिल यकीन, दिल में अब ये शाह तक नाशीन, क्रूसी का गीत मुझको है शीरिन, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, कौन से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, क्रूस का वो चश्मा है बेशबाह, खुशों की मैं उसके पास गया, मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, कौन से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ. Amen. Thank you, brother. God bless. Amen, amen, amen. We praise the name of God because through His blood, through the blood of Christ, we are purified. We thank God for that and we worship Him. Thank you, sister, for this wonderful song. काफी पुराना गाना है जो बहुत दिनों के बाद हमने सुना, पर हम सबको ये गाना पसंद है. और God bless you. और प्रभु के नाम को और महिमा मिले. So now the time is that we will go briefly into the word of God and प्रभु के वचन से अब हम सुनेंगे और by recording, ठीक है? So by Jaswinder will translate in Hindi and we will hear the word of God now. और इससे पहले कि हम एक बारी फिर वचन में जाएं, एक बार वचन में जाएं, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ, भाई आर के जोशुआ, आप एक छोटी सी प्रार्थना के साथ ये प्रभु के वचन के लिए आप प्रार्थना करेंगे. ब्रदर जोशुआ विल प्रे फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. आमीन. थैंक यू ब्रदर. तारीफ 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 हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह की, जो सच्चा और जीवता है, जो हमारे हमारे सब में बीच में जो विराजमान है, उस मीटिंग में भी मौजूद है. खुदावंद ने वादा किया है जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उस जगह पर मौजूद हूं. वो अपने वादे पे है प्रभु, वो हमारे बीच में है. खुदावंद हम आपसे दुआ करते हैं खुदावंद कि आज का जो कलाम प्रभु जी आपकी मर्जी से हम सुनने जा रहे हैं, भाई को ब्लेस करना प्रभु जी, सिर से लेकर पांव तक भाई इमानुएल को प्रभु जी कैप्चर कर लेना. खुदावंद यीशु मसीह जो आज का वचन हो आपकी तरफ से प्रभु जी, वो हमें सारे गुनाहों और पापों से धो दे, हम में जो कमियां हैं प्रभु जी उन सभी से हमें दूर कर दे. और प्रभु जो आपका आने वाला वक्त है प्रभु, जो आप बहुत जल्द आ रहे हैं मेरे खुदावन, उसकी हमें तैयारी मिले और हम उस तैयारी में प्रभु जी लीन पाए जाए, और जब आप आए तो हम तैयार पाए जाए और आपके साथ जाने के योग्य हो जाए प्रभु जी. आज के वचन से हमारी सभी कमियां कमजोरियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीहा. प्रभु जी हमारे कानों का खतना कर दे मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह. दया करो प्रभु जी, जो भी आपका वचन हम सुने उससे 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत पाने वाले.
मांगते हैं आपके पवित्र और जलाली नाम प्रभु यीशु के नाम आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। अभी प्रार्थना की गई है और अब हम समय है कि हम प्रभु का वचन सुनेंगे। सो आई ग्रीट ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन जीसस होली नेम। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को सलाम करता हूँ। वी हैव जस्ट नाउ प्रेड एंड सैंग सॉन्ग्स इन प्रेजेस टू गॉड। और अभी हमने प्रभु के लिए गीत गाए और प्रभु की हमने महिमा की तारीफ की है। वी आर नॉट वर्शिपिंग एंड प्रेइंग टू द गॉड whom we don't know and we don't know where he is। और हम जो उस प्रभु की उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ है। But we know that where he is। पर हम ये जानते हैं कि वो कहाँ है। We know he is present here। हम जानते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद है। Wherever we go we cannot escape। हम कहीं भी जाते हैं वो हमेशा हमारे साथ होता है। He is always present everywhere। वो हर जगह मौजूद है। Even if we think he's not here but he's still there। अगर हम सोच भी लें कि वो यहाँ नहीं है तब भी वो यहीं पर है। Because the man of God said, God, where can I hide from you? क्योंकि प्रभु के दास ने कहा है कि मैं प्रभु यहोवा से छिपकर कहां जाऊं? If I go to heavens, if I go to skies, if I go under the earth or over the earth or in waters, you are everywhere। कहता चाहे मैं आसमान पे चढ़ जाऊं, चाहे समुंदर पार चला जाऊं, चाहे इस जमीन के नीचे भी चला जाऊं, वहां भी तू मौजूद है। And same thing, we believe that we can believe our God is now here and he is everywhere wherever we are। उसी तरह हम भी ये ईमान रखते हैं कि हमारा परमेश्वर यहाँ भी बल्कि हर जगह मौजूद है। We who are connected on this platform wherever we are, the God is with us। और जो हम इस सभा में ऑनलाइन जो जुड़े हैं वो इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है। And we know God is with us, we know it by faith। और हम जानते हैं वो हमारे साथ है और हम अपने ईमान और विश्वास के। Because Bible says that the just people, the believing people, they walk by faith, not by sight। क्योंकि कलाम कहता है कि जो विश्वास रखते हैं वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। Jesus said, blessed are those who believe without seeing। प्रभु कहता है धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास रखता है। We know that Jesus was physically on this earth 2000 years ago। हम जानते हैं कि प्रभु हमारा 2000 साल पहले शरीर में इस जहान में इस संसार में था। He was physically born in Jerusalem। वो शरीर में पैदा हुआ यरूशलम में। He walked on this earth physically। वो शरीर में इस जमीन के ऊपर चला। He did all the miracles and great works in his body। और उसने शरीर में रहते हुए बड़े बड़े अचंभे बड़े बड़े चमत्कार किए। He went to cross to pay the price for our sins in the body। और उसने शरीर में रहते हुए सलीब पर जान दी, हमारे सभी पापों को उसने दूर कर दिया। And he, when he was obedient, the God glorified him on the third day, he was resurrected in the glorified body। और वो आज्ञाकारी रहा, इसीलिए पिता परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे मुर्दों में से जिंदा किया। He got the glorified body because he was obedient। वो इसलिए जीवित हुआ क्योंकि वो शरीर में रहते हुए ईमानदार रहा पिता के साथ। He was glorified even after death because he was very faithful and obedient to his father while he was on this earth। वो यहाँ तक कि जीवित होने के बाद भी आज्ञाकारी रहा क्योंकि वो अपने पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र रहा। And that is why for everything and in everything for all times Jesus Christ is our example। और ताकि हम सब के लिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण रहे। He is our model for everything। वो हमारे लिए एक अगुआ है। We must follow him in all things। हमें हर चीज में उसको ही उसके पीछे चलना है। Our safety is in him। हमारी सुरक्षा सिर्फ उसके पीछे चलने में। And our salvation is in him। और हमारा उद्धार मुक्ति भी उसी में है। That is why as long as we are on this earth, और जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, we follow all the learning and all the teachings from Jesus। तो हमें हर चीज जो चलनी और सीखनी है वो प्रभु यीशु मसीह से सीखनी। Our sins are forgiven only his name। हमारे पाप तो सिर्फ उसी के नाम से ही साफ होते हैं। He is only hope।
वो हमारी उम्मीद है। And we must continue in this hope till we are on this earth. और हमें इस उम्मीद को जब तक जीवित हैं हमने साथ रखना है। If somebody comes and tells us there is another way of hope, then he is a liar. अगर कोई आता है और कहता है कि कोई दूसरी उम्मीद भी है तो वो झूठा है। Even Paul said no one should come with another message or another revelation. तो पॉल भी कहता है कि कोई भी दूसरा प्रकाशन नहीं है, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। It is the same gospel we believe what Paul preached. और जो संत पुलुस ने प्रचार किया, जिस इंजील का, उसी पर हम ईमान रखते हैं। Paul, Apostle Paul was the preacher and teacher for the first church age. जो संत पुलुस हुआ, वो पहली कलीसियाई युग का प्रचारक भी हुआ, शिक्षक भी हुआ। And he said, "Whatever I am preaching, I have received from the Lord." और उसने ये दावा किया कि मैं जो भी प्रचार करता हूँ, ये मुझे प्रभु से मिला है। He was not preaching his own gospel. उसने कभी अपनी इंजील प्रचार नहीं की। Same applies to us. और वही चीज हम पर भी लागू होती है। When we preach something, जब हम कुछ प्रचार करते हैं, we must say we have received from the Lord. हम कहते हैं कि हमें ये प्रभु से मिला है। Not our own gospel. ये हमारा अपना कलाम नहीं है। But how can we say this is I have received from Lord? पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें ये प्रभु से मिला है? Because whatever we say and we preach, it must be found in the Word of God. क्योंकि जो भी हम प्रचार कर रहे हैं, वो बाइबल में लिखा है। We cannot bring our own revelation. हम अपना प्रकाशन नहीं प्रचार करते। Our own revelation will be wrong. हमारा अपना प्रकाशन गलत होता है। And God gives us His own revelation. प्रभु अपना प्रकाशन देता है। Provided we remain honest. ताकि हम ईमानदार बने रहें। Provided we surrender to Him. ताकि हम अपने आप को समर्पित कर दें। And we must say, the Lord, I cannot speak and say anything on my own. मैं प्रभु से कह सकता हूँ कि मैं प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी सोच से और अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूंगा। Teach us your word. प्रभु हमें अपना कलाम सिखा। Use our lips and our mouth and our mind to speak your word. प्रभु हमारे दिमाग को, हमारे होठों को, जीभ को, मुंह को इस्तेमाल कर अपने कलाम We must say what the word of God says. हमें वही कहना है जो प्रभु कहता है। We cannot bring our own teaching. हम अपनी शिक्षा नहीं ला सकते। It can be dangerous. ये खतरनाक हो जाएगा। Any teaching which is not from the word of God. कोई भी शिक्षा जो बाइबल में मेल नहीं खाती है। How much good it may look. चाहे वो दिखने में कितनी सुंदर हो। It is the deception of devil. ये शैतान का धोखा है बहुत बड़ा। Devil can bring those teachings which we are very happy to hear. और शैतान वही शिक्षा लाता है जिसको सुनने से खुशी होती है। Many people say, "Oh, I like this preaching because I like it." क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो उस प्रचार से बड़ा खुश हुआ। But I am in this world. पर मैं इस संसार में हूँ। I am a sinful man. मैं एक पापी इंसान हूँ। I am a weak person. मैं कमजोर इंसान हूँ। We are all born in sin. हम सभी पाप में पैदा हुए हैं। How can we like which is holy? हम किस तरह पवित्र हो सकते हैं? There is only one who is holy. एक ही पवित्र है। That is our God. वो हमारा परमेश्वर है। And His word is holy. और उसका वचन पवित्र है। So we can qualify, we can admit we are holy, provided we go as per His word. हम तभी कह सकते हैं कि हम पवित्र हुए हैं जब हम उसके वचन को मानते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। Everything looks good to us may not be holy. हर चीज जो हमें सुंदर दिखती है वो पवित्र नहीं हो सकती। Everything that looks morally very beautiful cannot be holy. और जो चीज भी दिखने में सुंदर है वो पवित्र नहीं हो सकती। Sometimes the worldly beauty is the biggest deception of devil. कई बार इस संसार की सुंदरता जो होती है वो बहुत बड़ा धोखा होता है। The worldly prosperity can deceive. जो संसार की सुंदरता है वो धोखा है। Sometimes the devil will tell us, see how many blessings are coming upon you. और कई बार शैतान कहता है कि देखो तुम्हारे पास कितनी आशीषें आ रही हैं। And these all blessings are from God. ये तो सारी परमेश्वर की तरफ से है। God is giving so many blessings. परमेश्वर तुम्हें बहुत सारी आशीषें दे रहा है। But when it comes to the teaching and learning from the word of God. परंतु जब बात प्रभु के कलाम के सीखने और सुनने की आती है। Then devil tells us his own story. तब शैतान जो है वो अपनी ही कहानी सुनानी शुरू कर देता है। He reads from the Bible.
वो पढ़ता तो बाइबल से है। He reads about the same Jesus. वो वही यीशु पढ़ता है। But he interprets the Bible in his own way. लेकिन वो अपने तरीके से बाइबल में मिलावट कर देता है। Sometimes it looks very attractive. और कई बार तो वो बड़ा अच्छा दिखता है। Very convincing. लगता है कि ये तो दिलों को Looks हिला very दिया। nice. दिख बहुत सुंदर लग रहा है। And looks as if God is speaking. लग रहा है कि जैसे प्रभु ही बोल रहा है। But we need to be careful. लेकिन हमें बहुत सावधान रहना है। The devil can come in very, very spicy words. शैतान तो बड़े बड़े जासूसी तरीके से आ सकता है। And he can come with lot of logic and teaching. वो बहुत सारे भेदों को बहुत सारी चीजों को ला सकता है। He is deceiving many churches in this world. उसने तो पहले से बहुत सारी कलीसियाओं को खराब किया। He has divided the word of God into hundreds of denominations. उसने परमेश्वर के वचन को कई सौ संस्थाओं में बांट दिया है। If he was preaching the word of God, why they should be divided? अगर वो परमेश्वर का वचन प्रचार करता तो इतनी संस्थाएं ना बंटती। Because God is not divided. क्योंकि परमेश्वर बटा हुआ नहीं है। Christ is not divided. मसीह बटा हुआ नहीं है। So his word cannot be divided. और उसका कलाम बांटता नहीं है। We read in the Ephesians chapter 4 and verse 4. हम इफिसियों में पढ़ते हैं। In chapter 4 and verse 4. उसके चार के चार में। There is one faith, one Lord, one baptism, and one hope, and one spirit. लिखा है कि एक प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आस उम्मीद है। So word of God says it is one. तो प्रभु का कलाम कहता है एक। So it has to be one. तो इसका मतलब एक ही होना Then चाहिए। Then why is it divided? तो क्यों बांटा है? This is not work of God. ये परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। This is the work of one who is anti-God. ये एक है वो प्रभु के जो खिलाफ है उसका काम है। That preaching does not bring us to God. तो ऐसी शिक्षा हमें प्रभु के पास नहीं लाएगी। That preaching takes us away from God. हमें प्रभु से दूर कर देगी। So we have to be very, very careful. हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है। So we must believe the right word. तो हमें सही सही वचन पर विश्वास Our faith must be correct. हमारा विश्वास सही होना चाहिए। If our faith is not correct, अगर हमारा विश्वास सही नहीं है, then our way to heaven will not be found. तो हमारा स्वर्ग का रास्ता बंद है। We are going to read some scriptures. हम यहाँ पर कुछ कलाम पढ़ने जा रहे हैं। We are going to read from Romans chapter 5. हम रोमन्स की किताब और उसका पांच अध्याय खोलेंगे। रोमन्स की किताब और उसका पांच अध्याय। And before that we will read two verses from Romans chapter 4. और इससे पहले कि हम दो आयतें इसमें से पढ़ें। And we will read verse 22, 23, verse 23, no, verse 23, 24, 25 of Romans chapter 4. तो रोमन्स पहले चार में जाएंगे। And verse 23, 24 and 25 we will read. तो रोमन्स चार में जाकर हम 23, 24 और 25 पढ़ेंगे। Now here Paul is writing to Roman Christians and he's telling them who, what kind of people we are. तो यहाँ संत पौलुस बता रहा है कि हम किस तरह के लोग हैं। And we are sinners. कि हम पापी हैं। But how can we get rid of sin? लेकिन हम कैसे उससे दूर हो सकते Then हैं? Only all the good teachings we will accept. कि सिर्फ अच्छी शिक्षाओं से ही। Now verse 23 says. अब 23 आयत में लिखा है। All have sinned and fall short of the glory of God. कि वचन ये है। Romans 4:23. और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो ना केवल उसी के लिए लिखा गया। नो 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 रोमन्स ब्रदर रोमन्स चैप्टर 3:23 सॉरी हमें माफ कीजिए रोमन्स 3 में जाना पड़ेगा। रोमन्स 3 अध्याय में 23 में या रोमन्स 3 अध्याय और उसकी 23 आयत में से पढ़ रहे हैं हम ना कि 4। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यस Verse 24 और 24 आयत परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। Verse 25 और 25 आयत उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्राश्चित ठहराया
जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। And verse 28 और 28 आयत, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आमीन। वर्स 20 अभी कौन सी पढ़ी आपने? 28 पढ़ी। नाउ 29 अब 29 आयत, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। वर्स 30 क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। एंड लास्ट वर्स 31 तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, बल्कि व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन, आमीन। Now you see, we have read few verses here where God is, where Paul is teaching to Christians. तो यहाँ पर हमने कुछ आयतें पढ़ी हैं जहाँ पर संत पौलुस जो है वो मसीहों को बोल रहा है। And we know these early Christians were mainly Jews. तो जो शुरुआती जो मसीह बने थे लोग हम जानते हैं कि वो यहूदी थे। When Christianity was spreading, it spread from that area where mostly the Jews were living. तो जब मसीहत बढ़नी शुरू हुई तो वो ज्यादातर वहाँ बड़ी जहाँ पे यहूदी थे। And slowly, slowly the circle of the preaching started toward Gentiles. तो इस तरह वो बढ़ती बढ़ती जो थी अन्य जातियों के बीच पहुंची। Some of the early Christians were Jews. तो शुरुआती जो मसीह थे वो यहूदी थे। Even those who heard the word of God in Acts chapter 2, they were also Jews. तो जो हम प्रेरितों के आठ में भी देखते हैं वो भी पहले यहूदी थे। Plus there were people from other nations also. जो कि दूसरी राज्यों से भी देशों से थे वो भी यहूदी थे। But slowly when the word of God was spreading and preaching was spreading and Paul was appointed as an angel to the Gentiles. तो जैसे कलाम बाहर गया और पुरुष को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए चुना वचन के प्रचार के लिए। But Paul was himself a very strong Jew. तो संत पौलुस जो था वो खुद एक बहुत मजबूत यहूदी था। That is why he was against Christians. इसीलिए वो मसीह विरोधी था। And he was against Jesus Christ. वो मसीहों के विरोधी था, यीशु के विरोधी था। And he was helping people and killing the Christian people. और इसीलिए वो मसीहों को मार रहा था, कत्लेआम कर रहा था। But God had known a program for this man. लेकिन परमेश्वर के लिए उसके लिए एक खास योजना थी। There was an appointed day and time. प्रभु ने उसके लिए समय और दिन ठहराया। When Jesus showed himself to this man. तो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह और उसके ऊपर प्रकट हुआ। And he showed himself and he told him who he is. और प्रभु ने प्रकट करके बताया कि वह कौन प्रभु है। Paul was very happy as a religious man. पौलुस जो था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो एक धार्मिक इंसान था। He was following the law. क्योंकि वो शराब के ऊपर चलता था। But he was not having more revelation that time. लेकिन उस समय उसके पास ज्यादा प्रकाशन नहीं था। Something better is coming after the law. और क्योंकि उस शराब के बाद कुछ अच्छा आना था। But there was a time, appointed time when Paul was given that vision. लेकिन एक समय ठहराया था जब प्रभु ने उसको ये एक विजन देना था। But at the same time, Paul was an honest man. और जब वो कि जब पौलुस एक ईमानदार व्यक्ति था। He was not a man against God. जबकि वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं था। He was against Christians. वो मसीह विरोधी था। But because he did not know Jesus. क्योंकि वो यीशु को नहीं जानता था। Today also with people who don't know Jesus. आज भी लोग जो यीशु को नहीं जानते। They think Christians are bad people. वो सोचते हैं कि मसीह जो लोग होते हैं बुरे होते हैं। This is a wrong teaching, wrong religion. ये एक गलत शिक्षा है, एक गलत धर्म है। This is a religion which says only Christ is correct, everybody is wrong. जो कहते हैं कि मसीही सही है, बाकी सब गलत है। Because they don't know Christ.
क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते बट व्हेन दे नो क्राइस्ट लेकिन जब वो मसीह को जान जाते हैं देन दे नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग तब जाके वो जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है मेनी ऑफ अस हैव कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ऑफ द टीचिंग्स तो हम में से बहुत सारे लोग भी अलग अलग शिक्षाओं से निकल कर आए हैं एंड व्हेन वी वर इन दोस टीचिंग्स जब हम भी उन शिक्षाओं में थे We were having a very negative feeling about Christianity and Christian people. तो हमारे दिलों में भी मसीह और मसीह लोगों के लिए एक बुरी सोच थी. We used to think Christianity is a foreign religion. तो हमारे सोच ये थी कि जो ये मसीहत है ये तो दूसरे देशों का धर्म. It is the religion of Western countries. ये तो भाई यूरोप का और इंग्लिश कंट्रियों का धर्म है। But they did not know where Christianity originated. लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि असली मसीहत कहाँ की थी। Christianity originated in Asia. जो मसीहत थी वो एशिया से निकली। It originated in the Middle East. और मिडल ईस्ट से मध्य originated from Jerusalem. और वो यरूशलम से निकली। Jerusalem was not a Western country. जो यरूशलम है वो वेस्टर्न देश नहीं है। This is another thing that many Western countries they accepted Christianity. ये बहुत अलग बात है कि बहुत सारे उन देशों ने मसीहत को कबूल किया। And when they accepted it, spread like a wildfire in the Western world. जब ये मसीहत उन देशों में गई तो आग की तरह फैली। And God used those people to go to the other part of the world to take Christianity. तो परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया अपने वचन को दूसरे देशों में ले जाने के लिए। Because they understood who Jesus is. क्योंकि वो समझ गए थे यीशु कौन है। Although this is a sad story today, those people who were spreading the Christianity today, they themselves are being deceived. और हम जानते हैं कि जो मसीहत को लेके आए हम जानते हैं वो भी कई बार भरगलाए गए। Today they are living backward. They are gone on the back step because of Christianity. और बहुत सारे हम देखते हैं कि पीछे मुड़ गए। And they don't follow Christianity today. और आज वो मसीहत के पर नहीं चलते। That's why Bible says. इसलिए बाइबल कहती है। We have to stay with the Word of God. कि हमें वचन में बने रहना। Otherwise the devil will take us away from the Word of God very soon. नहीं तो शैतान वचन से दूर ले जाएगा। But how can we remain in the word of God? लेकिन हम परमेश्वर के वचन के साथ कैसे बने रहें? Because God has given us His grace. क्योंकि प्रभु ने अपनी महिमा अनुग्रह हमें दिया। But before we have the grace, इससे पहले कि हम पर में उसका अनुग्रह हो, we must believe in God. हमें उसके वचन पर विश्वास। We should have faith. हमें विश्वास रखना। If we don't have faith, अगर हम विश्वास नहीं रखते, we will not understand grace. फिर हम उसका अनुग्रह नहीं समझेंगे। And what is grace? अब अनुग्रह क्या है? Grace is the unmerited mercy of God for us, something which we don't deserve, something we are not worthy to receive, but God gives us free. That is grace. अनुग्रह का अर्थ होता है कि वो चीज़ जिसके हम लायक नहीं थे जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें फ्री में तरस खाकर हम पर तरस खाया। We just now read in the chapter 3 of Romans here. हमने अभी रोमन्स की किताब में तीसरे अध्याय से कुछ कलाम पढ़ा। We all have sinned and we fallen short of the glory of God. कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर से दूर थे। All. सब। Not even one person can say that I am not in sin. एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझ में पाप नहीं। If anybody says I am not in sin, he is making God a liar. अगर कोई ऐसा कहता है तो वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है। But God has made an arrangement. लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई। To set us free from that sin. कि हमें उन पापों से निकालने की। Our biggest enemy is sin. हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो पाप है। And what is sin? और पाप क्या है? Sin is not believing the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना रखना पाप है। Because when we don't believe, क्योंकि जब हम विश्वास नहीं रखते, then we will not obey. तो फिर हम वचन पर नहीं चलते। Then if we don't obey, और अगर हम नहीं चलते हैं, then we will start doing things in our own way or in different way. तो फिर हम अपनी मर्जी से काम शुरू करने शुरू कर देते हैं। But there is only one way, which is the true way.
लेकिन एक ही रास्ता है, सही रास्ता है, दैट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु मसीह है। टू कम टू गॉड द फादर वी मस्ट फॉलो जीसस क्राइस्ट, तो प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। दैट्स व्हाई इन वर्स 24 ही सेज, इसीलिए 24 आयत में ये लिखा था, रोमन्स 3:24, रोमन्स 3:24 में ये लिखा था, वी आर बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। तो 24 आयत में लिखा था कि उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा यीशु मसीह में हम सेतमेत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। Yes, he has used the word freely. यहाँ लिखा है कि फ्री में। We have been justified freely. जो हम धार्मिक ठहराए गए हैं यीशु मसीह में सेतमेत में। We know that we are in sin. हम जानते हैं हम पाप में थे। And Bible says the end result or the reward of sin is death. और बाइबल में लिखा है कि जो पाप का जो रिवार्ड है, गिफ्ट है, वो मौत है। That means we all must die. इसका अर्थ है कि हमने सबने पाप किया और सबको मौत थी। Not only physical death but spiritual death. ये मौतें दो तरह की, शरीर की नहीं, आत्मा की भी। Physical death is one which is physical. शरीर की मौत अलग होती है। And spiritual death is a death which is separation from God for all times. आत्मिक मौत वो होती है कि जब परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए दूरी। Physical death can be temporary. शारीरिक मौत तो बस थोड़े समय की है। But spiritual death is eternal. लेकिन जो आत्मिक मौत होती है वो हमेशा के लिए होनी। Because only God is eternal. क्योंकि एक ही युगो युग है। And if we are separated from God, then we are separated eternally from God. जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो हम भी अनंत जीवन से दूर हो जाते हैं। But God made an arrangement for us. लेकिन प्रभु ने एक तरीका योजना बनाई। And that arrangement is free. और वो योजना भी जो थी वो बिल्कुल फ्री थी। If somebody tells, I can get you eternal life. एक अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। Even if somebody says, I can give you a good life for 5 years. अगर यहाँ तक कोई कहे कि मैं तुम्हें 5 साल के लिए अच्छा जीवन देता हूँ। Or you can have good time for 6 months. और जहाँ 6 महीने के लिए अच्छा समय देता हूँ। But you have to pay a price. लेकिन तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। It will cost you this much money. और उसके लिए ये कीमत देनी होगी। This much sacrifice. और ये कुर्बानी है। And then you will can get happiness. तब जाके आपको दुख होगा। Then we can get happiness. तब जाके हमें खुशी होगी। But that with a price. लेकिन उसके साथ एक कीमत है। But when the time is over. लेकिन जब समय खत्म होगा, when that price is finished, और कीमत खत्म हो गई, then I'm back into trouble. मैं वापस वही मुश्किलों में आ जाऊंगा. But look, here is the hope for us. लेकिन यहाँ बाइबल में देखें क्या आस है. That hope is in Jesus Christ. और यीशु मसीह में जो आस है. Where the our freedom, our justification is given free. जो हमें पापों से उद्धार हुआ है वो बिल्कुल फ्री में हुआ है. Now we can ask a question. How can I get something? Some happiness without paying the price. अब सोच के देखें कि किस तरह बिना कुछ दिए हमें खुशी कैसे मिली? We want to take a journey, we want to purchase something, we want to eat something, we want to acquire something, we have to pay a price. हमें कुछ भी करना है संसार में, कुछ भी लेना है, उसकी कीमत देनी पड़ती है. That price is in terms of money, effort or anything. उसकी कीमत पैसा, समय की बर्बादी, कुछ भी हो सकता है। And how much price we pay, we get that much. और हम वो कोई भी कीमत देनी पड़ती है। And then once the time is over, that price value is over, that facility is over. जब उस दी हुई पैसे की कीमत पूरी हो जाती है, तो सुविधा भी खत्म हो जाती है। If I say, somebody says, if you give me $100 or 1,000 rupees, then I allow you to stay in my house or in my hotel for 2 days or 3 days. जिस तरह अगर कोई कहे कि अगर आप मुझे £1,000 या डॉलर देते हैं, तो आप मेरे होटल में 2 या 4 दिन के लिए रह सकते हैं। But after 3 days, I have to go. लेकिन उसके बाद आपको जाना है। Unless I pay more. अगर रहना चाहते हैं तो और दे पैसा। And how much can I pay?
कितना देता रहूं, वन डे माय मनी विल फिनिश, एक दिन मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, दैट मींस माय स्टे इन दैट होटल विल फिनिश, तो मेरा उसी वक्त होटल में रहना, बिकॉज़ इट इज नॉट फ्री, क्योंकि होटल फ्री नहीं था, इट इज एग्जांपल ऑफ द होटल, ये उदाहरण है होटल की, बट दिस एग्जांपल कैन बी फॉर माय फूड, फॉर माय एजुकेशन, फॉर एनीथिंग, यही उदाहरण हमारे खाने पीने पर, हमारी पढ़ाई लिखाई पर भी होती है, दैट मींस द मैटर इज इट इज नथिंग इज कमिंग फॉर फ्री, तो जो कहने का अर्थ तात्पर्य अर्थ है कि कुछ भी फ्री नहीं है, कैन वी थिंक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच वी कैन गेट फ्री, क्या इस संसार में कुछ है जो हम फ्री ले सके, नथिंग, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर चीज जो है थोड़े समय की है, एंड इवन फॉर दैट टेम्पररी वी हैव टू पे, और जो चीज थोड़े समय की है उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, बट नाउ लुक एट दिस व्हाट ही सेज इन वर्स 24, लेकिन अब इस 24 आयत को देखें, ही इन वर्स 23 इज टॉकिंग अबाउट आवर सिन, वो 23 आयत में हमारे पापों के बारे में बता दैट ऑल हैव सिंड, सबने पाप किया, वी आर ऑल बोर्न इन सिन, सब पाप में पैदा हुए, एंड व्हेन द मोमेंट वी ग्रो फ्रॉम लिटिल बेबी टू अ टॉडलर टू अ चाइल्ड, और चाहे वो बच्चे की उम्र छोटी उम्र हो, वी गेट इनटू सिन, हम पापों में हैं, वी स्टार्ट कमिटिंग सिंस, हम पापों में पैदा होते हैं, नाउ दैट मींस वी नीड समथिंग, इसका अर्थ हमें कुछ चाहिए, सो दैट दिस सिन शुड फिनिश फ्रॉम माय लाइफ, ताकि ये पाप मेरे जिंदगी से दूर हो जाए, नॉट ओनली फ्रॉम माय फ्यूचर लाइफ, यहां तक कि मेरे भविष्य में ही नहीं, बट इवन द सिन व्हिच आई हैव कमिटेड अंटिल टुडे, जो मैंने पाप अब तक किए वो भी, कैन देयर बी ए रेमेडी ऑन एनी टीचिंग एनी रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, क्या कोई औषधि या कोई किसी धर्म में शिक्षा है, कैन देयर बी एनी डायरेक्शन इन दिस वर्ल्ड, क्या कोई हमें ऐसी दिशा दे रहा है, इफ देयर इज एनी डायरेक्शन व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई दिशा है तो कोई बता क्यों नहीं रहा, व्हाई इट इज नॉट बीइंग टॉट, सिखा क्यों नहीं रहा, Why only this is being taught, what we are learning now? जो हम सीख रहे हैं सिर्फ यहाँ से ही, यहाँ से क्यों पता चलता है? Only through Lord Jesus Christ. सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही क्यों? We will get it free. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फ्री में पा रहे हैं. If we go to any pilgrimage, हम किसी और जगह पे जाएं. If we go to any holy places, किसी और धार्मिक जगह जाएं. If we go to any holy teachers, किसी और गुरु के पास जाएं. Any holy education. किसी शिक्षा के पास जाएं, we have to pay price. हमें पैसे देने पड़ेंगे, we have to give time, समय देना effort, पड़ेगा, and money, पैसा, money, and valuable things of what we have. कीमती चीजें भी देनी पड़ सकती हैं. Once that is finished, जब वो खत्म हो जाएंगी, that facility is finished, तो सुविधा खत्म. So what happens then? उसके बाद क्या? I will be helpless. मैं बिल्कुल असहाय हो जाऊंगा. But here is one way. पर यहाँ एक रास्ता है. That is the only way. सिर्फ एकमात्र ये कोई एक रास्ता ही नहीं, बट इट इज द वे, ये रास्ता है, द वे मींस द ओनली वे, ये इसका अर्थ है एक ही रास्ता, आ वे कैन बी हियर 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 एंड हियर, और ये रास्ते का मतलब एक इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, like the whole world is teaching, जिस तरह सारा संसार, there are many ways to reach the same God, जहाँ कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं उसके प्रभु के पहुँचने के, but if there are many ways to reach the God, अगर बहुत सारे रास्ते हैं, then why are they not taking people to salvation, तो फिर वो मुक्ति उधार की ओर क्यों नहीं लेके जाते, they don't even know what is salvation, वो तो यहाँ तक नहीं जानते कि उधार मुक्ति क्या है, is there any teaching that tells us that we can come, we can get rid of our sins that we commit? Is there any teaching ये कहाँ कोई शिक्षा है यहाँ पर? That tells us that we can get rid of our sins. क्या कि हम फ्री में अपने पापों को माफ कर सकते हैं? We can be made free from our sins. जो हमें फ्री में पाप माफ कर दे. And free service. और कोई पैसा ना ले. No price to be paid. कोई कीमत नहीं देनी. I'm sorry, we cannot find any way. माफ कीजिए, कोई भी नहीं मिलती. If there was any way, अगर कोई रास्ता है, then we will follow it. तो हम चलते. But we found a way. पर हमने एक रास्ता पाया. That is why we are following it. तभी हम उसके पीछे चल रहे हैं. And that way, और वो रास्ता is not only a way to get rid of our sins, जो सिर्फ हमारे पापों को ही नहीं दूर कर रहा, but it is making us free. बल्कि हमें फ्री में दे रहा. And it is available free.
बिल्कुल फ्री में मौजूद है, बट अ प्राइस हैज टू बी पेड, क्योंकि उसकी कीमत बिकॉज़ बाइबल सेज, क्योंकि बाइबल कहती है दैट देयर इज अ प्राइस टू बी पेड फॉर एवरीथिंग, हर चीज का जो है कीमत दी 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 हुई है, स्पेशली व्हेन आवर सिंस आर वेरी डेंजरस थिंग, जबकि हमारे पाप जो कि बहुत खतरनाक थे, हु विल पे द प्राइस फॉर माय सिन, और किसने है जो मेरे पापों की कीमत अदा की। इफ वी रीड जस्ट नाउ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 7, अब हम अगर रोमन्स में ही जाएं और उसका 5 अध्याय में जाएं, 7th वर्स और 5 की 7 को देखें, फॉर स्केयर्सली फॉर अ राइटियस मैन विल वन डाई, येट परहैप्स फॉर अ गुड मैन समवन विल गिव डेयर टू डाई, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए, ये दुर्लभ है। इन एट्थ वर्स और 8 आए थे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 10th वर्स, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आमीन आमीन। नाउ यू सी हियर पॉल हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पे संत पौलुस साफ साफ बता रहा है। In chapter 3 we know that we are sinners. और 3 अध्याय में हमने जाना कि हम सब पापी हैं। And through redemption through Jesus Christ, our price, we receive redemption and justification through Jesus Christ free. और हमने अपने पापों का उद्धार मुक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाई। And free. बिल्कुल मुफ्त। We don't have to pay any price. हमने कुछ भी नहीं दिया। What a great blessing. कितना महान आशीष है। He says, I have given you justification and salvation free. प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें अनुग्रह उद्धार मुक्ति बिल्कुल फ्री में दी। But God has a law. पर प्रभु का कानून है। Nothing comes for free. कुछ भी फ्री नहीं होता। Especially for a sinner. खास करके पापी के लिए। Especially because the reward of the sin is death. और क्योंकि पापों की जो सजा है वो मौत है। That means when I am a sinner, जिसका मतलब जब मैं पापी हूँ, and if I have to come out of sin, और जब मैं पापों से बाहर आता हूँ, so I have to die. मुझे मरना है। So once I die, एक तरफ मौत, so I am not living anymore. मैं अब नहीं जीऊंगा। So how will I enjoy the beauty of the reward? तो फिर मैं उस गिफ्ट का क्या आनंद ले पाऊंगा? Think about it. सोचें। So somebody died for me. अगर कोई मेरे लिए मरा। The man Christ died for me. जो मनुष्य यीशु वो मेरे लिए मरा। I did not pay any price for it. मैंने कुछ कीमत नहीं दी। He took birth on this earth. वो इस संसार में आया। He was a good man. बड़ा अच्छा व्यक्ति था। He was born without sin. मैं बिना पाप से पैदा। Because he was not born like you and me. क्योंकि वो हमारी तरह पैदा नहीं। Because he was born by the Father who is the Holy Ghost. क्योंकि वो पिता से पैदा हुआ। So he was not having a nature to sin. उसमें स्वभाव ही नहीं था पाप का। And though so he could not sin. उसने पाप नहीं किया। But he could sin, but he did not sin. उसने पापों को उठाया लेकिन उसमें पाप He was tempted like you and me. वो हमारी ही तरह सताया गया। But he was obedient. वो आज्ञाकारी रहा। So he is our lesson. वो हमारे लिए He is our teaching. वो हमारे लिए उदाहरण है। Now that means he died for us. इसलिए कि वो हमारे लिए मरा। A price must be paid for the mistake. और उस पापों के कारण कीमत अदा की गई। Now somebody has to pay a price. अब किसी को तो अदा करना था। If the price is not paid, justification will not happen. अगर कीमत ना दी जाती तो पापों की मुक्ति ना होती। Somebody has to pay. किसी को देनी थी कीमत। And the price was death. और वो कीमत जो थी मौत थी। Because the price of sin is death. क्योंकि मौत की जो मजदूरी है। God's judgment for sin is death. प्रभु का न्याय जो है वो पापों की सजा मौत है। And God did not want us to die.
और प्रभु नहीं चाहता था सी द लव मरे सी द लव प्यार देखें वी आर द सिनर्स हम पापी हैं वी आर लिविंग इन सिन हम पापों में जी रहे हैं बिकॉज़ ऑफ आवर डिसोबीडियंस द सिन केम इन अस क्योंकि हमारी अनाज्ञाकारी के कारण पाप आया था हाउ लविंग माय गॉड इज कितना प्यारा प्रभु है ही डजंट वांट मी टू डाई वो नहीं चाहता हम मरे सो ही डाइड फॉर मी वो हमारे लिए मरा That is why we just read one verse in Romans chapter 5 and verse 7. इसलिए हमने आयत पढ़ी थी रोमन 5:7 में. That scarcely for a righteous man somebody may die. क्योंकि ये जरूरी था कि एक धर्मी व्यक्ति मरे. Because suppose the meaning is of the seventh verse here. सात आयत का मतलब. If you are a good man. अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं फॉर ए गुड मैन समटाइम्स वेरी रेयरली समबडी विल डाई ये बहुत है काहे कि वो व्यक्ति मरे समबडी कैन टेल मी बिकॉज़ यू आर ए गुड मैन अगर कोई मुझे कहे कि तुम अच्छे व्यक्ति यू आर सच ए नाइस मैन आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं यू आर सो गुड टू द सोसाइटी आप सबके लिए अच्छे हैं सो आई कैन डाई फॉर यू मैं आपके लिए मर रहा हूं दिस इटसेल्फ इज वेरी बिग थिंग ये बड़ी बात है But can anybody agree to this? क्या क्या कोई इससे सहमत है? Who will tell me? कौन कहेगा? Somebody tells me. कौन मुझसे कहेगा? Because you are a bad man, so I will die for you. कि तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारी खातिर मर रहा हूँ. The whole world will laugh. सब हंसेंगे. He says he is already a bad man. You are dying for him. वो कहेंगे ये तो पहले से ही बुरा है. क्यों मर रहे हो? Are you in your sense? क्या तुम दिमाग ठीक है तुम्हारा? Why are you destroying your life for the sake of this bad man? तुम अपना जीवन इसके खातर क्यों खराब कर रहे हो? If you are sacrificing something, अगर तुम कुर्बान होना चाहते हो, sacrifice for a good man. किसी अच्छे व्यक्ति के लिए कुर्बान हो. Look at the example of our God here. अब हमारे प्रभु का उदाहरण देखें. We have read these verses. We are all sinners. हमने आयतें पढ़ी कि हम सब. All are living in sin. हम सब पापी हैं। So according to law of God, तो प्रभु के कलाम के मुताबिक, we all must die. हमें सब मरना है। Not only die in the grave, सिर्फ कब्र में ही नहीं, but die for eternity. हमेशा के जीवन से भी दूर। That means no hope. यानी कोई उम्मीद नहीं। That means somebody should pay the price of my death. इसलिए किसी को मेरे पापों की कीमत देनी है। That's why in these verses, इसलिए When we were yet sinners, कि हम जब पापी थे, Christ died for you and me. तो यीशु मेरे लिए और आपके लिए I did not pay a price at all. मैंने कीमत नहीं दी. He justified me and justified you. उसने मेरे को आपको धर्मी ठहरा. The meaning of justification is धर्मी ठहराया जाना. To come to a condition कि उसका एक condition है. This justification is a condition. जो धर्मी ठहराए जाने की जो उदाहरण है दैट मीन्स आई हैव नॉट कमिटेड सिन कि मैंने पाप नहीं किया ऑन द डे ऑफ द जजमेंट तो न्याय वाले दिन द डेविल विल हैव अ बुक शैतान के पास किताब एंड ही विल टेल टू गॉड और आप प्रभु से कह सकते ऑल दीस पीपल हु आर योर बिलीवर्स जो विश्वासी हैं आपके दे वर ऑल सिनर्स सभी पापी हैं सो आई हैव इन 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 योर बुक देयर यू शुड हैव द नेम इन देयर लिस्ट In your list. आपकी किताब में इनके नाम है God will say, प्रभु कहेगा, Devil, शैतान, their names may be in your book. इनके नाम तुम्हारी किताब में हो सकते हैं। But they have been justified according to my book. लेकिन ये सब जो हैं मेरे किताब के मुताबिक Because I have paid the price for them. क्योंकि मैंने इनके लिए कीमत अदा कर दी। And they have accepted the price. और उन्होंने वो कीमत मंजूर की एंड दे हैव बिकम माय बिलीवर्स और वो मेरे विश्वासी बने एंड दे हैव रिमेंड फेथफुल अंटिल डेथ और वे मरने तक ईमानदार रहे एंड दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड और उन्होंने कोई समझौता नहीं किया हाउ मच ट्रबल हैज कम ऑन देम और कितनी मुश्किलें आई दे स्टिल रिमेन फेथफुल वो ईमानदार बने रहे दे स्टिल सफर्ड एंड रिमेन फेथफुल उन्होंने दुख उठाया ईमानदार बने रहे व्हाई क्यों Because they follow the examples of Jesus Christ. क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण था. Although he was not a sinner, वो सब पापी थे. He was tempted. वो
दुख उठा but he did not fall into sin लेकिन उन पाप में नहीं गए and remained faithful ईमानदार रहे and died और कुर्बान हुए and died for the sinners और देखिए पापियों के लिए कुर्बान he did not die as a sinner वो पापी के तौर पर नहीं मरा but he took the sin of you and me on his head लेकिन उसने मेरे और आपके पापों को उठाया and because of that sin he died और उन पापों को उठाया करने के कारण he did not die because of his sin वो इसलिए नहीं कुर्बान हुआ कि because he did not make any sin उसने पाप नहीं किया so he justified us और उसने धर्मी ठहराया as if we never sinned कि हम दोबारा पाप ना करें that's why when we are baptized in the name of Lord Jesus Christ इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में after believing and repenting जब हम विश्वास करते हैं तौबा करते हैं that is the stage of justification तो वो धर्मी ठहरा जाने का कदम we are justified हम धर्मी ठहराए गए how कैसे by faith विश्वास के because if we don't believe अगर हम विश्वास ना we will not accept Jesus Christ अगर यीशु पर ईमान ना रखते and we will not repent तौबा ना करते and if we don't repent अगर हम तौबा ना करते then we will not obey तो हम आज्ञाकारी then we will not be justified तो हम धर्मी नहीं ठहरते Romans chapter 5 and verse 1 अब रोमन्स 5 उसका 1 therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखें and verse 2 तो आयत through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें now you see that in verse what he says we have been justified by faith तो यहां लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए we cannot be justified unless we had faith हम धर्मी नहीं ठहरा सकते थे जब तक हम विश्वास ना and once we had the faith जब हम पर विश्वास हुआ then we will have peace with god तब हमारे पास परमेश्वर if i have peace with somebody अगर मेरा किसी के साथ शांति है that means i have no trouble with that person मेरा उसका मतलब मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं we are in agreement हम आपस में समझौता we will stay for each other we will help each other we will die for each other हम एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे को शांति देते हैं एक दूसरे के लिए मर सकते हैं but if that is not there पर अगर वो नहीं that means we have no peace तो इसका अर्थ है शांति नहीं why there is no peace in this world today आज इस संसार में शांति क्यों नहीं है? Because people don't want to agree with each other. क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ समझौता नहीं रखते। Because if they agreed with each other, there is peace. अगर वो समझौता रखें, तो शांति हो। Because there is no common thing between them. क्योंकि उनके आपस में कुछ भी common नहीं। But if there is a common thing between them, अगर उनके बीच में common कुछ होता, then they will have peace. तब उनके बीच शांति होती। And if that common thing is Jesus Christ aur wo common cheez hai prabhu yeshu masih then there cannot be any trouble fir wo koi mushkil musibat that is why when Jesus will come and rule here for 1000 years isliye jab prabhu 1000 saal ke liye rajya karega we will have peace with god to hamara prabhu ke sath ek there will be no war no quarrel no misunderstanding to koi yuddh nahi koi ladai nahi hogi but that is provided we have faith और ये क्यों होगा अगर हम विश्वास we are justified by faith हम विश्वास के द्वारा this is what we just read हमने यही पढ़ा and faith in what किस पर विश्वास through Jesus Christ यीशु मसीह पर then only we will get access to the grace तब जाकर हम जो है प्रभु का महिमा पाएंगे we will get access to the grace of God only by faith हम प्रभु का अनुग्रह विश्वास के द्वारा first we must believe पर पहले हमें once we believe and God accepts and rewards our faith जब हम विश्वास रखते हैं तो प्रभु हमें महिमा then God will give us grace और हम अनुग्रह पाते हैं grace is something for which we don't deserve and God gives us
अनुग्रह वो होता है कि जिसके हम लायक नहीं थे वो हमें मिल गया। एंड ही हैज गिवन अस फ्री। और वो उसने हमें फ्री में, ही डाइड ऑन द क्रॉस फॉर मी एंड यू फ्री। वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए फ्री में मरा। आई डिड नॉट गिव माय ब्लड टू जीसस। मैंने अपना लहू नहीं दिया यीशु। आई डिड नॉट गिव माय लाइफ टू जीसस। मैंने अपना जीवन नहीं दिया। बट ही गेव हिज लाइफ टू मी। परंतु उसने अपना खून, अपना जीवन। टुडे हिज लाइफ इज इनसाइड यू एंड मी। आज उसका जीवन आप में, मुझ में है। दैट लाइफ व्हिच वाज अपॉन जीसस, और जो जीवन प्रभु यीशु के ऊपर था, इट वाज द लाइफ ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का जीवन था। वी आर सेव्ड बाय हिज ब्लड। हम उसके लहू के द्वारा बचाए गए। बाइबल सेज द लाइफ इज इन द ब्लड। बाइबल कहती है जीवन जो है लहू में है। सो द पावर ऑफ दैट ब्लड व्हिच हैज गॉट द लाइफ फ्रॉम गॉड। तो वो जो जीवन था वो उस लहू के द्वारा आया। व्हेन दैट पावर अप्लाइज ऑन मी, और वो अब ताकत मुझ में है, आई विल हैव द सेम पावर, मुझ में वही शक्ति है। इवन दो आई विल डाई, और यहां तक मैं मर भी जाऊं, आई विल स्टिल लिव, मैं जिंदा हो जाऊं थ्रू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के द्वारा। दैट्स व्हाई वी रिसीव द ग्रेस। इसीलिए हमें अनुग्रह थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु के द्वारा। सो ग्रेस इज समथिंग, तो अनुग्रह जो है, व्हिच आई डोंट डिजर्व, मैं जिसकी उम्मीद नहीं रखता, व्हाट गॉड हैज गिवन टू मी, पर प्रभु ने मुझे दिया। व्हेन, कब? बिकॉज़ I have faith. I have shown my faith. जब मैंने अपना विश्वास दिखाया। And faith, if it is not obedient, और जब विश्वास में आज्ञाकारी ना होगी, it is a dead faith. तो फिर वो मुर्दा। In the book of James, we know chapter 2. हम यकूब की पत्री में 2 में जानते हैं। Faith without works is dead. जो कामों के बिना विश्वास मुर्दा। And in Ephesians chapter 2, we read. इफिसियन 2 भी हमने पढ़ा। We have been received. We have been saved by grace by faith. तो हम विश्वास के द्वारा जो हैं बचाए गए हैं। So these all verses are telling the same thing, same thing. ये सारी आयतें एक आपस में। The basic thing is faith. तो जो आज हमने सीखा वो है विश्वास। If we have the good faith in Jesus Christ, honest faith. अगर हमारे पास एक अच्छा विश्वास है। Then we receive the grace. तब हम प्रभु का अनुग्रह पाएं। Then our life changes. तब हमारा जीवन बदल जाएगा। Then our works will also change. हमारे काम भी बदल जाएंगे। But if we try to do the works, लेकिन अगर हम काम करना चाहते हैं, before faith, विश्वास, and before grace, बिना अनुग्रह से, then those works will not save us. तो वो काम हमें नहीं बचाएंगे। That is why the same Bible says we cannot be saved by good works. तो इसीलिए वही बाइबल हमें बताती है। And the same work Bible says, वही बाइबल बताती है, the works will save us. कि काम हमें नहीं बचाएंगे, but why? बचाएंगे why? The works which will come out after receiving the grace, जो कार्य हमने अनुग्रह के बाद किए, those works will produce the fruit of the spirit. वो जो है फल लाएंगे. And then we will be saved. तब हम बचेंगे. And the grace will only come, अनुग्रह भी तभी आएगा, provided we had faith. जब हम विश्वास दिखाएंगे. Now if we have faith, अगर अब विश्वास है, in Jesus Christ, यीशु पर, Jesus Christ is the word of God. So if we have faith in word of God, then we receive grace, and then our works will change, and then those works will save us. Not the works without faith. But the whole world is teaching, you must do good works to be saved. अच्छे काम करें बचने के लिए. But we cannot be saved by good works because we cannot do good works. क्योंकि हम अच्छे कर्मों से नहीं बचेंगे, हम कर ही नहीं सकते. Our works will become good works for God. तुम्हारे कार्य तब अच्छे होंगे. Provided we have faith in Jesus Christ. जब हम विश्वास दिखाएंगे. Then we receive the grace. तब जाके अनुग्रह पाएंगे. Then we are justified. हम धर्मी ठहराए जाएंगे. Then we will be sanctified. तब हम पवित्र होंगे। Then we will be glorified. तब हम महिमा में जाएंगे। So this is the lesson for us, brothers and sisters, for today. भाई और बहनों, आज का ये जो विषय ये था। We realize we are sinners. कि हम पापी हैं। We realize somebody has to pay price for my sin. किसी ने हमारे लिए पापों के लिए देनी। We realize Jesus died for me for free. हमें पता चला यीशु ने हमारे लिए कीमत अदा की। For a good man, somebody may very difficult for somebody to die for a good man. ये बड़ा मुश्किल है कि कोई किसी के लिए कुर्बानी दे। So now it is impossible for somebody to die for a bad man.
ये मुझे नामुमकिन है कि बुरे व्यक्ति के लिए हो, बट आई एम ए बैड मैन, परंतु मैं बुरा हूँ। जीसस डाइड फॉर मी, यीशु मेरे लिए मरा। थिंक अबाउट इट, सोचें। थिंक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ लव, उसके प्रेम को सोचें। आई कैन लव समबडी हु इज गुड, मैं प्रेम कर सकता हूँ। हाउ कैन आई लव समबडी हु इज माय एनिमी, मैं अपने दुश्मन को कैसे करूं? बट जीसस सेड, प्रभु यीशु ने कहा, लव योर एनिमीज, अपने दुश्मन से एंड प्रे फॉर देम, उससे उसके लिए प्रार्थना। आई वाज हिज एनिमी, मैं उसका दुश्मन, आई वाज द एनिमी ऑफ गॉड बिकॉज़ ऑफ सिन, पापों के कारण मैं प्रभु का। लुक एट द लव ऑफ गॉड, प्रभु का प्रेम देखो, ही डाइड फॉर मी, मेरे लिए मरा, सो दैट आई शुड बी सेव्ड, ताकि मैं बचूं। सो लेट अस कंटिन्यू, आइए हम इन दिस फेथ, इस विश्वास, सो दैट वी शुड कीप रिसीविंग ग्रेस, ताकि हम अनुग्रह पाएं, सो दैट वी शुड कीप रिसीविंग जस्टिफिकेशन, ताकि हम धार्मिक, एंड आवर कांटेक्ट विद गॉड विल रिमेन फॉरएवर, प्रभु के साथ बने रहें, देन ओनली वी कैन गो टू रैप्चर, तब रैप्चर, देन ओनली वी कैन बी ब्राइड, तब दुल्हन, देन ओनली वी कैन हैव इटरनल लाइफ, हमेशा का, एंड वी विल बी विद द लॉर्ड एवरीवेयर ही गोस, हम प्रभु हमारे साथ होगा, वी शुड थैंक गॉड विद दीस वर्ड्स, और प्रभु का धन्यवाद, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, प्रभु आप सबको आशीष दे, एंड थैंक यू, नाउ वी आर क्लोजिंग दिस मीटिंग, and we will give this thanksgiving with Brother Surinder. By Surinder ke saath prarthana. And now Brother Surinder will pray, and then our meeting will be finished. Amen. God bless you. God bless you, brother. God bless you. खुदावंद आप प्रभु को बड़ी आशीष दे। आज की अच्छी मीटिंग के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए हृदय धन्यवाद करते हैं, और अपने सर झुकाकर उसका हृदय धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी शुद्धि लेता है, क्योंकि आज का दिन उसने हमें यूं ही नहीं बुलाया, हमें नाम ले लेकर बुलाया है ताकि हम उसके कलाम में से खा सकें, और ये व्यर्थ बातें नहीं है जो खुदा ने अपने कलाम में लिखवाई हैं, जो हमारे हृदय तक पहुंचती हैं, और यही बातें हम अपनी जनरेशन को भी सिखाएं, ताकि ये बातें हमारा जीवन है, जितना हम इसको रिसीव करते हैं अपना जीवन हम क्लेम करते हैं और उसे रिसीव करते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं बाप आसमानी, कि तूने प्यारे बाप आसमानी एक दिन और हमारी जिंदगी में जोड़ा, ताकि प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चे तेरे नाम में इस प्लेटफॉर्म पर प्रभु इकट्ठा हो सके प्यारे पिता, जहां तू मौजूद है प्रभु, क्योंकि तूने अपने कलाम में कहा है कि जहां दो या तीन भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं वहां हाजिर होता हूँ। बाप आसमानी आपकी उपस्थिति के लिए हृदय धन्यवाद करता हूँ, और तूने मेरे प्यारे भाई बहनों को प्रभु जी एक एक को प्रभु नाम ले लेकर जो बुलाया है प्रभु ईश्वर से, हर एक को तू नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्रभु। प्यारे पिता हमारे परिवारों को हमारे खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, प्यारे पिता क्योंकि ये तेरा कलाम है प्रभु जो हमारी जिंदगी है प्यारे प्रभु ईश्वर से, हम इसको अधिकाय से लेने वाले हो सके प्यारे पिता, ऐसा तू फजल दे। बाप आसमानी तू हमें शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा प्रदान कर प्रभु, जब हम अपने जीवनों को देखते हैं प्रभु हमारे जीवनों में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती प्रभु जी, लेकिन प्यारे बाप आसमानी फिर भी बुरे होने के बाद भी पापी होने के बाद भी प्रभु जी तूने हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं किया प्रभु जी प्यारे पिता, लेकिन तूने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया प्रभु ताकि हम बचाए जाएं प्यारे पिता, तेरे इस अनुग्रह को जो बस यीशु में हमें सेहत में मिला है हम धर्मी ठहराए जाते हैं प्रभु जी, हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे बाप आसमानी तेरा कलाम कहता है इस यूनिवर्स में इस पृथ्वी पर हर एक आदमी पापी है प्यारे पिता, और सबसे बड़े पापी हम थे प्रभु यीशु मसीह, जिसको तूने अपने पास बुलाया अपने वचन से धोया और मसीह यीशु में सेहत में हमें धर्मी ठहरा दिया प्रभु, आज हम धर्मी ठहराए जाते हैं प्यारे पिता तेरे नाम में प्रभु, तेरे पीछे चलने वाले प्रभु मसीह कहलाए जाते हैं प्यारे पिता, ये हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है, ये तेरा प्यार है प्रभु जो तूने हमसे किया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और एक दिन करके छोड़ नहीं दिया प्रभु, दिन ब दिन अंश अंश करके तू हमें बढ़ा रहा प्रभु अपनी नजदीकी में, ताकि एक दिन तू आए और प्रभु हमें यहाँ से ले जाए प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी क्योंकि तेरी ब्राइड तैयार हो रही है प्रभु, जिसको तू तैयार कर रहा है, जिसको तूने सेठ में प्रभु धर्मी ठहरा कर अपने दुल्हन बनाया है प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे बच्चे तेरे पास दौड़े चले आते हैं प्रभु जैसी भी हालत में होते हैं प्रभु, हो सकता है हमारी कोई घटी और कमी और कमजोरी हो, दुख और बीमारी हो प्यारे पिता, लोन हो और तमाम संसारिक चिंताएं हो सकती है प्यारे पिता,
इनको लेकर तेरे बच्चे बैठे नहीं रहते प्रभु, इन सबको साइड करते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह फिर भी वो तेरे चरणों में आश्रय पाते हैं प्यारे पिता, और तू अपने वचन से उन्हें धोकर साफ करता है प्रभु, जैसा तूने प्यारे बाप आसमानी आज इस प्लेटफॉर्म पर प्रभु, हम बहुत ज्यादा तो नहीं है प्रभु, लेकिन प्यारे पिता तूने हमें ढाढ़स दिया है, ये छोटे झूठ मर्डर पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे प्यारे बाप आसमानी, हम कितने बहुत छोटे थोड़े हैं प्यारे पिता, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं तू फिर भी हमारे बीच में उपस्थित है प्यारे प्रभु, आज के संदेश के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, जो तूने भाई इमैनुअल के प्रभु हृदय में रखा था प्रभु जी, भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, मसीह यीशु में भाई को बहुत आशीष मिले प्यारे पिता, ट्रांसलेशन करने वाले भाई जसविंदर को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी, तेरा रहम इन भाइयों पर बना रहे प्रभु यीशु मसीह, हर एक उपस्थित भाई बहन को प्रभु बड़ी आशीष दे, हमारे परिवारों को हमारे बच्चों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, हमारी तमाम जरूरतें यीशु के नाम में पूरी की जाए प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, जो भी आज वचन की सेवकाई हुई है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी जाए प्यारे पिता, तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो भी गब जाकर तेरी स्तुति बढ़ाई की है प्यारे पिता, प्रार्थना और विनती और निवेदन तेरे सम्मुख रखे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सब तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी हम तेरे पास आए हैं प्रभु, जैसे थे प्रभु यीशु मसीह हम वैसे जाने ना पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे बाप आसमानी अंश अंश करके तू हमें बढ़ा प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे पिता हम तेरे योग्य संतान बन सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ऐसा तू फजल दे आज की इस जीवनदायक रोटी के लिए, हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तमाम बातों को तेरे कंट्रोल में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस अच्छी मीटिंग के लिए तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता बाप आसमानी, और इस मीटिंग पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं प्यारे पिता, हर एक भाई बहन से तू डील कर प्रभु यीशु मसीह, जब तक हम फिर दोबारा मिलते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन को पूरी कांग्रीगेशन को तेरे जोड़ों और हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरा रहम इन पर बना रहे और तेरे लहू की सुरक्षा इनके चारों ओर रहे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता हमारे अगुओं को प्रभु तू और ब्लेस कर प्रभु यीशु के नाम में, प्यारे पिता जहां जहां वो जाते हैं प्रभु तेरे सुसमाचार को लेकर प्यारे प्रभु भाइयों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता बाप आसमानी, और हमारे अंदर भूख और प्यास को बढ़ा दे प्रभु, जैसे प्यासा हिरन तुझे ढूंढता है प्रभु, वैसे ही हम तुझे ढूंढने वाले हो सके प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे बाप आसमानी तेरा कलाम हमें सिखाता है कि ये व्यर्थ बात नहीं है जो तुम उसके पीछे लगे रहते हो, अपना घंटों घंटों समय बर्बाद करते हो, ये तुम अपने लिए जीवन को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हो, प्यारे बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं तू हमसे अपने वचन के द्वारा ये बातें करता है प्रभु, जो हमारा जीवन है तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे बाप आसमानी इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जब तक द्वारा मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की सुरक्षा हमें हर एक के साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह, तेरा रहम मांगते हुए तेरा अनुग्रह चाहते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता दयालु पिता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिटे जला नाम में उकर मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस मीटिंग के लिए, उसके वचन के लिए, आमीन के लिए, और हम सभी भाई बहनों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू लॉर्ड।